एक्वेरियम है छोटा सा, इसमें सिर्फ दो फिश है, एक ब्लैक कलर की और एक ग्रीन कलर की। ब्लैक कलर की थोड़ी बड़ी है, ग्रीन वाली छोटी है। पर बड़े मज़ेदार बात यह है कि ग्रीन वाली जब मैं दाना इन लोगों को डालती हूँ मॉर्निंग में उठ के इनका खाना देती हूँ, तो ये जो ब्लैक वाली फिश है ना, ये दाने को ठीक से पकड़ नहीं पाती है और बहुत सारे दाने नीचे गिर जाते हैं। और जो ग्रीन वाली है वो आती है एक्टिव होके और फटाफट खा लेती है। तो मुझे बड़ा टेंशन होने लगता है कि अब ये खाना नहीं खाई है तो क्या करूँ मैं, दोबारा भी डालती हूँ एक दो दाने। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इसने अपॉर्चुनिटी जो इसको मिलता है ना, ऊपर से मैं दाना डालती हूँ खा नहीं पाती है, तो बड़ा टेंशन होने लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी मतलब ले नहीं पा रही है। तो फिर मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं अब इसके मुंह में तो नहीं डाल सकती दाना, मैं ऊपर से ही डाल सकती हूँ। तो मैं एक दिन ऐसे सोच रही थी कि यार ऐसी लाइफ में भी होता है ना, हम लोगों को भी प्रभु ऊपर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं लेकिन हम अपनी स्किल को नहीं बढ़ा पाते हैं, इस वजह से शायद हम उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि वो हमारे लिए या किसके लिए। मुझे लगता है अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए अपनी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, और अगर स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं पा पाएंगे, तो ऐसे ही एक ना एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूं। छोटी सी बात है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन में अपॉर्चुनिटी भगवान हमेशा सबको देते हैं लेकिन कुछ लोग ही उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाते हैं और मोस्टली लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। अपने जीवन में अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, अपने समय की कीमत को समझिए और जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसको करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और ये छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।